नमस्कार जोहार, मैं एआर बोकारवी ग्रामीण टीवी में आप सबका हम स्वागत करते हैं। इस वक्त हम बोकारो जिला उपायुक्त कार्यालय के गेट के पास हैं और कई माताएं और भाई लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। क्यों पहुंचे हैं हम जानने और समझने का प्रयास करेंगे। जी, आपका नाम क्या हुआ दादा? रवि शर्मा जी। कहाँ से आए आप लोग? हम गोमिया से हुए, गोमिया प्रखंड का। क्यों आए? सबसे पहले तो मैं ग्रामीण टीवी को जोहार करता हूँ। मेरा डीसी के पास आने का मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारा जो पुरखा जमीन है, पुरखा जमीन में गैर आदिवासी लोग जबरन कब्जा करके रखा है, वो भी किस तरह से फर्जीवाड़ा तरीके से अपना पेपर बनाए हैं। उनके पास केवल और केवल रसीद है, इसके अलावा कुछ नहीं। उनके पास रसीद है, रसीद का आधार क्या है वो लोग नहीं दिखाते हैं। कोई आधार नहीं बता रहे क्या आधार है। हम लोग ने बहुत कोशिश किया जानने का कि आप किस बेसिस पे हमारा पुरखा जमीन पे हड़पने लगे हैं, क्या है, आप किस तरह से कर सकते हैं कि इसमें बपोती मेरा है। कम से कम इसमें 3 पीढ़ी गुजर चुका हमारा। आप लोग के पास खतियान है? हाँ, खतियान है, रसीद है। कितने सालों से वो लोग कब्जा किए हुए हैं? कम से कम 30 साल से ओवर हो गया है। कितना जमीन होगा? 25 से 30 एकड़। 25 से 30 एकड़ जमीन 30 साल से कब्जा किए हैं। क्या कर रहे हैं उस जमीन में कब्जा करके? कब्जाधारी अक्सर किसी को बेचने का भी काम कर रहे हैं, घर भी बना रहे हैं और आपका खेती बाड़ी भी करने में लगे हैं। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग का आवेदन आपका डीसी महोदय से पहले, इससे पहले जो डीसी थे उनके पास भी गया हुआ था। उन्होंने एलआरडीसी के द्वारा अंचल में भेजा। अंचल का कार्रवाई एकदम ना के बराबर है। ऐसा लग रहा है कि अंचल भी कब्जाधारी के साथ मिला हुआ है। अंचल भी कब्जाधारी के साथ मिला हुआ है? हाँ, अंचल, वहाँ कर्मचारी, ऑपरेटर भी तो कहना ही नहीं है। ऑपरेटर को जैसा बोला जाएगा वो उस तरह का एंट्री करके चला जाता है, उसका कोई माँ बाप नहीं है। आज हमारे आदिवासियों पे क्या हो रहा, जहाँ देखिए वहाँ पे कब्जाधारी लगे हुए हैं। और तो और यहाँ पे थाना को भी संज्ञान दिया गया, जो हमारे जागेश्वर थाना है उसमें भी संज्ञान दिया गया, लेकिन कुछ नहीं। हमारे तरफ रिजल्ट एकदम ना के बराबर है। थाना क्या कर रहे हैं? सहयोग आपका कब्जाधारी पे कर रहे हैं। ब्लॉक जो गोमिया ब्लॉक है हमारा, वो सीओ उनके तरफ है। हम लोग करें भी तो क्या करें। आज एसपीटी एक्ट है, आपका पैसा कानून है, उसका उल्लंघन किया जा रहा है। जबकि कहा गया कि एक ही मोजा का लोग, खासकर आदिवासी, दूसरे आदिवासी ले सकते हैं लेकिन एक ही मोजा का होना चाहिए। गैर आदिवासी तो दूर की बात है, लेकिन यहाँ तो गैर आदिवासी पूरा है। हम लोग तरस, मतलब कि तरस्त हैं कि कैसे अपने बपोती जमीन को ये लोग से छुड़ाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जा रहा है प्रशासनिक लोग इन्वॉल्व है। हमारा सीओ तरफ जाएंगे ब्लॉक में, जो आपका राजस्व का मालिक कहते हैं, वो लोग इन्वॉल्व है। तो हम लोग करें भी तो क्या करें। ऐसा लग रहा कि हम लोग को लड़ाई अब जमीन में उतर के करना पड़ेगा। बहुत हो गया कागजी कार्रवाई, इतने साल से 30 साल, आप समझ सकते हैं 30 साल तो हमारा लड़ाई का हो गया। वहाँ के सीओ भी आप वहाँ जाते हैं तो कोई कार्रवाई नहीं करता है, किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं, टाल मटोल। आपको सीधी तौर पे बताना चाहूंगा, कहता है, ये नहीं कहता है कि भाई उन लोग के पास में पुख्ता पेपर है, ये है वो है, तुम लोग क्यों खामोखा परेशान कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं। यही तो दुख की बात है, वो कहते ही नहीं है ऐसा। वो उनका कहना सिर्फ है कि आप सीआई से जाके मिलिए। तो आज आप लोग उपायुक्त महोदया के पास आए, मिली वो थी ऑफिस में? उपायुक्त महोदया तो नहीं थी, पर उनके बिहाफ में एसी सर के पास गए थे। तो एसी सर ने कहा कि मैं भी यहाँ नहीं हूँ, फील्ड में हूँ, आप संजय सर से मिल लीजिए और जो भी आपका आवेदन है उनको दे दीजिए और आपका जो भी प्रॉब्लम उनको बता दीजिए। मैंने अभी जस्ट संजय सर को दिया है, उन्होंने कहा कि अभी जस्ट मैं सीओ सर को इन्फॉर्म कर दे रहा हूँ, कल आप जाके मिल लीजिए। मेरे ख्याल से ऐसा लगता है। जी 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 हाँ, अभी जस्ट है ये आपका आवेदन कॉपी है ये, ठीक है। अभी क्या है कि जैसा कि अभी संजय सर को दिया, तो मुझे नहीं लगता कि इस पे कोई कार्रवाई होगी, क्योंकि अब ऐसा क्यों लगता है जी? उन्हीं का तो लेटर गया हुआ था, ऐसा नहीं है कि कोई दूसरे जगह का लेटर गया था। इतने अगर उच्च स्तर के पदाधिकारी का सीओ अगर अनदेखा कर रहे हैं, कुछ तो बात है, इसका मतलब सीओ ही बॉस है, यही समझ में आ रहा है। यहां से लेटर गया है लेकिन कार्रवाई नहीं हो पाई अब तक। अब तक अभी भी हम लोग लड़ रहे हैं, वो भी कागजी पे उतरे हुए। मेरे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहिएगा तमाम पदाधिकारी को? मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि अगर कागजी कार्रवाई सही रूप से, अगर सच में आप लोग आम जनता के लिए हितैषी हैं,
तो मैं कहना चाहूंगा उनका न्याय मिले। अदरवाइज अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हमारा सामाजिक जो व्यवस्था है उनके साथ हम लोग रोड पे उतरेंगे और अपना डुगडुगी बजा के अपना हक अधिकार के लिए लड़ेंगे। अगर हम इसी तरह शांत रहें तो आने वाला समय में हमारा जो भी अभी है वो भी खत्म कर देगा, ऐसे प्रशासन निकलेगा। 25 से 30 एकड़, यानी आप समझ सकते हैं ये माताएं भाई तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। 25 से 30 एकड़ भूमि इन लोगों की खतियानी भूमि है जो गैर आदिवासी कब्जा किए हुए हैं। ये मामला को लेकर ये लोग ब्लॉक पे जाते हैं, जिला पर आते हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। और जो अधिकारी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे कहना चाहूँगा कि इन लोगों को देखते हुए कम से कम इन लोगों की जो भी इन लोगों की मांग है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे बीच में बिरसा सेना के महासचिव जी हैं। जी आप क्या कहना चाहिएगा? जोहार दादा, आपका टीवी चैनल ग्रामीण रवि। जैसे कि आले तीन बोकारो जिला आले है कि ना, होर होपन आदिवासी दिक्कु होपन को कब्जा दा और लगभग 30 साल को केस को थपाम करना तीन हवी बांग हासिल कर तक। अगर नुकु सीओ साहेब सीआई एला डी सी तक अगर कानून रूप से बाको आजम दा मेनखान आले आ साल लेकर खेत ले सी वर्गीय ले सी है। अगर ई लोग कानून के तहत नहीं सुनेगा तो हम लोग जमीन स्तर में डुगडुगी बजा के हाल चलाने का काम करेंगे। काहे कि मेरा बाप दादा लोग 30 साल से केस लड़ते लड़ते थक चुके हैं। अभी हम लोग पास उतना पैसा भी नहीं है कि केस लड़ सकते। अभी उससे अच्छा है कि हम लोग को प्रशासन के लोग गोली मार दे, वही अच्छा है। क्योंकि अभी हम लोग पास केस लड़ने का पैसा नहीं है। यानी समझ सकते हैं कि ज़मीन को लेके किस तरह का दर्द है इनके पास और ये किस तरह की बातें कर रहे हैं। हम लोग समझ ही रहे हैं कि डुगडुगी बजाकर हम लोग ज़मीन पर उतर जाएंगे और जो होगा सामने मुकाबला होगा। मांझी हड़ाम आदिवासी समाज में एक बहुत बड़ा पद होता है, वो भी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। जी दादा आपका नाम क्या हुआ? रामदास मांझी। आप क्या कहना चाहिएगा? हमको किसी तरह हम कोई दखल करेंगे ज़मीन, जितना हम मेरा दादा सब भी लड़ते लड़ते थोड़ा बुढ़ा गया, लेकिन अभी अभी समय है, कुछ भी कर करके निकाल लेंगे। तो ये समझ सकते हैं कि हमारे दादा जोतते जोतते बुढ़ा गया और हमारे समय में ये ज़मीन किसी और के हाथ में है, हम किसी भी तरह उस ज़मीन को हासिल करेंगे। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ बीरालाल बेसरा, जोहार ग्रामीण टीवी ओर से। मेरा यही कहना है सर, हम लोग जो है टोटल लमसम 4-5 खतियानी है, जो कि उस खतियानी में नाम बता पाओगे? छोटे लाल मांझी, पिता सोनारा मांझी, उसके रामदास मांझी पिता होपना मांझी, अशोक बास्के पिता चितलाल मांझी, फागु मांझी पिता सोमरा मांझी, ब्रेंदर मुर्मू पिता धनीराम मांझी, अन्य ऐसा रैयत है जो कौन लूटा है जरा नाम बता दीजिए सब। कौन कब्जा किया हुआ है? इसमें जो कब्जा किया है उसका नाम जो है यमुना यादव पिता सुगन गोप, बोधि मातो पिता चैतन मातो, भुवनेश्वर साहु पिता लक्षू साहु, किशुन यादव पिता रघु गोप, बबलू जसवाल पिता सूरजनाथ भगत, आनी ऐसा भी है इसके साथी सब। ये लोग जमीन को कब्जा हाँ कब्जा के अवैध रूप से इस कहना चाहिए गान। हम यही कहना चाहेंगे, हम लोग जो है उपायुक्त महोदय से निवेदन करते हैं कि अंचल अधिकारी को जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाए और जांच पड़ताल के लिए उपायुक्त महोदय से निवेदन करते हैं, अंचल अधिकारी को उस जगह तक भेजा जाए कि हम लोग आदिवासी का जो कब्जा किया हुआ जमीन हम लोग को न्याय दिया जाए। तो 30 साल एक लंबा समय होता है, तो इस बीच में आप लोग लड़ते हैं, शुरू से लड़ते आए हैं? जी हाँ, हम तो अभी हमारे फिलहाल युवक हो गए, लेकिन उससे पहले जो बहुत ऐसा बुजुर्ग हो गए लमसम 30-35 साल लड़ते लड़ते अभी तक हासिल नहीं हो पाया। शुरू से तो वीडियो को लगातार लाइक कमेंट के साथ में शेयर कीजिएगा, अपना राय रखिएगा। और लास्ट में यही कहना चाहेंगे हम उपायुक्त महोदय सब हम ग्रामवासी लेके उसको आवेदन दिए हैं, उसमें हम लोग निर्धारित टाइम उसको भी दिए हैं 10 दिन। यदि 10 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं होती है और न्याय नहीं हम लोग को नहीं मिलता है तब 12 दिन हम लोग निश्चित रूप से उस खतियानी जमीन हम लोग जोतने जाएंगे। जो भी होगा हम लोग अपना विधि व्यवस्था से हम लोग उस जगह पे उपस्थित होंगे।
विपक्ष दल यदि हम लोग के ऊपर जो भी कार्रवाई करे हम लोग सामना करने के लिए तैयार है। यानी साफ साफ ये खुली चेतावनी है तमाम जो भी संबंधित लोग हैं, अधिकारी हैं, कि अगर इन लोगों को 10 दिन के भीतर न्याय नहीं मिलता है तो ये लोग 11वां दिन उस जमीन पर पहुंच जाएंगे और जो करना होगा ये लोग अपने स्तर से करेंगे। फिलहाल वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट के साथ में शेयर कीजिएगा, अपना राय रखिएगा। जोहार, जय हिंद।